25 की रिटेंशन आ गई यार, पीएसएल का घंटा बजी है बेटा, इतना पैसा के देख के बंदे की फट जाती है, पाकिस्तानियों की फटी पड़ी है इतना पैसा दे के, इतना पैसा किधर से आया। और अभी ये ऑक्शन नहीं है, ऑक्शन नहीं हुई, और भाई ये आईपीएल की रिटेंशन है जिसमें प्लेयर्स को रिटेन किया जाता है, ऑक्शन अभी होनी है मेरे घंटे के। तो भाई आईपीएल की रिटेंशन ने तो आग लगा के रख दिया यार, ऐसा पैसा फेंका जा रहा है, पैसे की बरसात। पहले तो ऑक्शन में रिकॉर्ड टूटते थे, अब तो रिटेंशन में रिकॉर्ड टूट रहे हैं भाई। पाकिस्तानी 100-100 करोड़ के करीब प्लेयर रिटेन किए जा रहे हैं। ओ माय गॉड, ये किया था, आपको बताया भी था, 90% वही प्लेयर्स रिटेन भी हुए हैं, लेकिन कितने कितने पैसों के अंदर हुए इसको भी डिस्कस करेंगे, कौन सी टीम इस पर सबसे अच्छी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है इसके ऊपर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ किसने सबसे बड़ा ब्लंडर मारा इसके ऊपर भी बात करेंगे। रिटेंशन ने शोक कर दिया, अभी जो है वो सही तरीका से मेगा ऑक्शन जो है वो उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन रिटेंशन में ही बड़े-बड़े पैसे आए हैं, इतने बड़े-बड़े पैसे बरसे हैं, क्या विराट कोहली और फिर क्या क्लासन और क्या क्या जो है वो नोटों की, ऐसे लगता है कि बारिश हुई है। अब निकलो ना वो पीएसएल वर्सेस आईपीएल वाले बायर, वो जो चुलमुल जिनको होती है, वो अब आके देखो कि आईपीएल में प्लेयर्स को कितने कितने पैसों में रिटेन किया गया है। विराट कोहली 21 करोड़ में रिटेन किया गया है, घंटे को तो 2 करोड़ दिया जाता है पाकिस्तानी, विराट को 21 करोड़ दिया गया इंडियन, और वो पाकिस्तान में मैं कन्वर्ट करूं तो भाई इतना बन जाएगा कि मैं 5,500 पीएसएल करवा दूं। निकलना सोनू पीली चप्पल भाई रब, और देख बेटा कि ये कितनी कितनी रिटेंशन है, कि प्लेयर्स को कितना कितना पैसा मिला है। पीएसएल में तो प्लेयर 40 लाख में बिकता है और वो खुश हो रहे होते हैं, धमाले डाल रहे होते हैं जी, पीएसएल पीएसएल घंटे की पीएसएल। आईपीएल में जितने पैसों में प्लेयर्स को रिटेन किया गया ना, जितने पैसों में भाई बंदे की खुल के चार हो जाती है, ठीक है, इतना पैसा पीएसएल में जब देखा ना बेटा, मुझे भी पता है, मैं भी पाकिस्तान में, हमने कभी इतना पैसा देखा नहीं है, अगर मैं सीधी बात बताऊं तो इतना पैसा पीएसएल में हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा और ना कभी देखेंगे, जितना आईपीएल में सिर्फ रिटेंशन पे प्लेयर को दिया जा रहा है, मतलब प्लेयर्स को उतने पैसों में रिटेन किया जा रहा है। विराट 21 करोड़ में गया, 21 करोड़, मेरा बॉब्सी दी किंग, मेरी बाबर साहब, वो जाते हैं भाई 2 करोड़ में, 1.5 करोड़ में, और बड़ा वो बड़ा सीना चौड़ा करके चल रहा होता है। पहले बात कर लेता हूँ और भी, के राहुल का भी आपको बताता हूँ, के राहुल आरसीबी में जा रहा है, इसके ऊपर भी मैं आपको बड़ी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बात बताऊंगा, आपको पक्का हो जाएगा कि के आर राहुल जो है वो आरसीबी में क्यों जा रहा है। और बाकी मैं आपको बताता हूँ, मुंबई इंडियंस का अगर आपको मैं बताऊं तो मुंबई इंडियंस में जो है वो जसप्रीत बुमराह को खरीदा गया 18 करोड़ में, और सूर्य कुमार यादव को जो है वो 16.35, मतलब आप 16.5 करोड़ कह लो। चाहिए लंगड़े 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 लंगड़े, तू तो 2 करोड़ में जाता है पीएसएल में, फिर पापा बुमराह को 18 करोड़ दिया गया है, 18 करोड़। आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए होंगे ना, तो मैं नसीम शाह को दूंगा, बुमराह को नहीं दूंगा, बुमराह आईपीएल में 18 करोड़ का बिक गया है। बेटा देख ले फिर पैसा देख ले, 18 करोड़ पाकिस्तान में कन्वर्ट कर लो, 3.5 से ना मल्टीप्लाई क्या हो रहा है आईपीएल की रिटेंशन में। चलो पैसा तो समझ आती है, मतलब आईपीएल में हर बार पैसा होता है, नॉट सरप्राइजिंग, बट व्हाट अबाउट द बिग न्यूज, विराट कोहली बैक एज कैप्टन, रोहित शर्मा स्टिल इन मुंबई, और बड़े बड़े प्लेयर जो निकाले जा रहे हैं, ऋषभ पंत श्रेयस अय्यर, क्वाइट सरप्राइजिंग। दुख भी हो रहा है कि आईपीएल विनिंग कैप्टन को निकाल दिया, पैसा ही सब कुछ नहीं होता यार, ये प्लेयरों की इज्जत भी हो रही है नहीं हो रही है, इस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। पंत चेन्नई में आएगा नहीं आएगा, क्या बनेगा पंजाब में, कौन जाएगा, एलएसडी ने राहुल को निकाल दिया, काफी सारी चीजें हैं, हर एक टीम के पास तड़कती भड़कती किस्म की खबर, और हर एक टीम का एक चैलेंज है। तो डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। सबसे पहले आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं यार, आज दिवाली है, दिए जला रहे हो आप लोग और पटाखे फोड़ रहे हो, ये 2 काम होते हैं दिवाली में, मैं देखता हूँ आप लोग करते हो, तो भाई आप लोगों को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली यार, अपना फेस्टिवल एंजॉय करो, मज़े करो, और मुझे भी बड़ा मज़ा अच्छा लगता है दिवाली, होप सो कभी मैं भी कहीं जाऊँ और ऐसी इन्वायरमेंट और दिवाली मनाऊँ, और वो जो दिवाली का गाना है ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, राम आएंगे तो ऐसा कुछ दिवाली का ही है, आई एम नॉट रॉन्ग। बहरहाल यार, तो बात करते हैं काम वाली बात पे आते हैं, जो खबर है रिटेंशन की यार। सबसे पहले मैं बायस होता हूँ, अपनी टीम के बारे में बात करता हूँ, कह नहीं यार बायस नहीं होता, ये गलत बात है। सबसे पहले आईपीएल की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। आईपीएल की सबसे बड़ी खबर यह है कि विराट कोहली आरसीबी के कप्तान के तौर पर दोबारा आ रहे हैं। पहले तो ये रूमर्स थे, बट अब क्रिक इन्फो ने आर्टिकल लिख दिया है और उन्होंने डुप्लेसी को रिटेन नहीं किया, तो इट्स ऑब्वियस कि मुझे लगता है कि वो विराट कोहली दोबारा कप्तानी करेंगे। विराट कोहली को करनी भी चाहिए, डुप्लेसी भी कोई बहुत बड़ा तीसरा हान नहीं है, तो विराट कोहली अपने डिसीजन से पीछे फिरेंगे, ये भी एक इंटरेस्टिंग सी बात है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जब जैसे रोहित शर्मा
अगर उनमें कप्तानी की ख्वाहिश हो तो वो जा सकते हैं हर एक फ्रेंचाइज में, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सी बात है। बट मुझे लगता है कर भी लें फैंस के लिए, कोई ऐसी बुरी बात नहीं। और आईपीएल की तुमने कप्तानी छोड़नी ही नहीं चाहिए थी यार, आप करते रहो आईपीएल तो आपका अपने घर की खेती है यार, इसमें क्या बात है। तो ये सबसे बड़ी आईपीएल की आरसीबी ने न्यूज़ दी है विराट कोहली दोबारा, और विराट कोहली को कप्तानी करते हुए देखते हुए मजा आता है, वो आता है टॉस करता है और आरसीबी भी इन विराट कोहली, तो भाई विराट कोहली को कप्तान होना चाहिए था। ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग है, 21 करोड़ में रिटेन किया, नॉट सो बैड भाई विराट कोहली, और अंडर द टेबल भी काफी होंगे, ये ना समझो कि 21 करोड़ ही है, अंडर द टेबल भी हुआ होगा। और दूसरी रिटेंशन उनकी रजत पाटीदार है, 11 करोड़ में रिटेन किया। तीसरी रिटेंशन यश दयाल है, 5 करोड़ में रिटेन किया। और इस आईपीएल के अंदर कौन सा प्लेयर किस फ्रेंचाइज के अंदर जा सकता है इसके ऊपर भी बात करेंगे, और एंड के ऊपर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की प्रेडिक्शन भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आईपीएल की, ये सारी की सारी आपको दोबारा से एक दफा से रिवाइंड करवा देता हूं। आरसीबी ने विराट कोहली को 21 करोड़ के अंदर रिटेन किया, रजत पाटीदार को 11 करोड़ के अंदर, यश दयाल को 5 करोड़ के अंदर रिटेन किया। मुंबई इंडियंस ने जसप्रीत बुमराह को 18 करोड़ के अंदर, हार्दिक पांड्या को 16 करोड़ 50 लाख के अंदर, सूर्य कुमार यादव को 16 करोड़ 35 लाख, सूर्या करोड़ 15 लाख, रोहित शर्मा 16 करोड़ 50 लाख, और इसी के साथ तिलक वर्मा को 8 करोड़ के अंदर एक प्लेयर के ऊपर ये आरटीएम मार लेंगे अनकैप प्लेयर के ऊपर। हैदराबाद ने क्लासन को 23 करोड़ के अंदर, कमिंस को 18 करोड़ के अंदर, अभिषेक को 14 करोड़, हेड को 14 करोड़, और नीतीश कुमार रेड्डी को 6 करोड़ के अंदर। कोलकाता ने रिंकू सिंह को 13 करोड़ के अंदर, वरुण चक्रवर्ती को 12 करोड़ के अंदर, सुनील नारायण को 12 करोड़ के अंदर, एंड्री रसल को 12 करोड़ के अंदर, और इसी के साथ साथ हर्षित राणा को 4 करोड़ और रमनदीप को 4 करोड़ के अंदर। मतलब के सस्ते के अंदर 6 खिलाड़ी भी लेके चले गए, पैसे भी नहीं ज्यादा खर्चे, तो मतलब कि इन्होंने अपने अपनी जेब तो सेव कर ली, लेकिन इनके पास जो पर्स है वो 51 करोड़ का ही बचेगा ऑप्शन के अंदर, बट इन्होंने थोड़े काफी सारे पैसे अपने बचा लिए हैं फ्यूचर के लिए। लखनऊ ने रिटेन किया पुराण को 21 करोड़ के अंदर, मायंक को 11 करोड़ के अंदर, बिश्नोई को 11 करोड़ में, बदोनी को 4 करोड़ में, मोहसिन खान को 4 करोड़ के अंदर। दिल्ली ने अक्षय पटेल 16 करोड़ 50 लाख, कुलदीप 13 करोड़ 25 लाख, स्ट्रिस्टन स्ट्रफ 10 करोड़, और अभिषेक पौरल 4 करोड़। चेन्नई सुपर किंग ऋतुराज गायकवाड़ को 18 करोड़, जडेजा 18 करोड़, पथी राणा 13 करोड़, दुबे 12 करोड़, धोनी 4 करोड़। पंजाब किंग्स परमसिमरन 4 करोड़, शशांक 5.5 करोड़। गुजरात टाइटंस राशिद खान 18 करोड़, गिल 16 करोड़ 50 लाख, साई सुदर्शन 8.50 करोड़, 8 करोड़ 50 लाख, तिवातिया 4 करोड़, शाहरुख खान 4 करोड़। राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन 18 करोड़, जायसवाल 18 करोड़, पराग 14 करोड़, जुड़ैल 14 करोड़, हिटमायर 11 करोड़, संदीप शर्मा 4 करोड़। तो ये आईपीएल की सारी रिटेंशन आपको बता दें, जिसके अंदर पंजाब के पास 4 आरटीएम मारने के चांसेस है ऑप्शन के अंदर, इसी के साथ साथ आरसीबी के पास बात करेंगे इसके ऊपर, और बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होने जा रहे हैं कल फिर से एक जो है टूर्नामेंट में, कहां पर आमने सामने होंगे इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और साथ ही तो बात का खास करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो है वो आईपीएल की रिटेंशन का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है, और बड़े पैमाने के ऊपर जो आईपीएल की रिटेंशन हो रही है, करोड़ों रुपए जो है वो लगाए जा रहे हैं हर फ्रेंचाइज के द्वारा अपने प्लेयर्स को रिटेंशन में लाने के लिए। क्लासन के ऊपर क्या पैसे लगे हैं, क्या विराट कोहली, क्या क्या स्टोरी है जी, क्या लिस्ट है ये, क्या कहानी है? देखिए पहले तो आज आईपीएल की रिटेंशन आ गई और बहुत कुछ हैरान कौन था, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े नाम रिटेन नहीं किए गए। मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर, फिर ऋषभ पंत वापस ऑक्शन में आ गए हैं, श्रेयस अय्यर वापस ऑक्शन में आ गए हैं, ग्लेन मैक्सवेल ऑक्शन में आ गए हैं, बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो ऑक्शन में भेज दिया गया, और वहीं पर जो बड़े बड़े नाम सोल्ड हुए हैं कुछ में आपको हैरानी होगी कि यार इनको इतने पैसे कैसे मिल गए, और कुछ जैसे इंडिया के रिंकू सिंह हैं या एक दो और खिलाड़ी हैं जो बड़े कम पैसों में थे वो बहुत भारी भरकम अमाउंटों में बिके हैं जिनको रिटेन कर लिया गया। पहले हिसाब जो टॉप 10 हाईएस्ट रिटेन अमाउंट की गई है उस पर बात करते हैं, जिसमें सबसे आईपीएल के हाईएस्ट रिटेंशन प्लेयर का नाम है वो है क्लासन, जो इंडिया के, हम लोग बात करते हैं ना हमेशा कि यार ये आईपीएल की वजह से रन नहीं बना रहा इंडिया के अगेंस्ट, ये आईपीएल की वजह से जान के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, इंडिया के अगेंस्ट रन नहीं बना रहा, और हम ये कहते थे कि भाई तुम्हें आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना, इंडिया को फोड़ो, सही बात, इंडिया को जितना जोर से मारोगे उतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और हम ठीक कहते थे। क्लासन इकलौता था जो वर्ल्ड कप की कैंपेन में इंडिया के आड़े हाथों आ गया था, अगर हार्दिक उसको आउट ना करता तो इंडिया वर्ल्ड कप कभी ना जीत सकता था, तो भाई वही क्लासन आईपीएल का महंगा तरीन खिलाड़ी बन गया। उसने पिछले साल अपनी बहुत बड़ी छाप छोड़ी, देखिए मैं बात कर रहा हूँ पिछले साल, नहीं वो बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, जो प्लेयर इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म करता है वो सबसे पहले आईपीएल में आता है, क्योंकि वो इंडिया की ऑडियंस उसको जान जाती है, फ्रेंचाइजीज जो है वो उसके साथ बड़ा कनेक्ट हो जाती है, और इंडिया के फैंस तक जो पहुंच जाता है। लेकिन इसने पिछले साल बहुत ज्यादा अपनी गेम के अंदर इंप्रूवमेंट किया, और एक गॉडजिला की तरह T20 को इसने खेलना शुरू कर दिया, इसलिए ट्रेवर्स हेड ने, और ये दोनों आपको पता है कि फ्रेंचाइज में रहते हैं तो ये अलग ही फोड़ते हैं।
आईपीएल रिटेंशन का जो अमाउंट देखकर पाकिस्तान मीडिया चौंक गए, क्योंकि एक ही प्लेयर का 23 करोड़, किसी का 21 करोड़, जो पाकिस्तानी रुपये में लगभग 100 करोड़ के आसपास पहुंचता है। इतना पैसा पाकिस्तान में तो आईपीएल टोटल आईपीएल में एक टीम खर्च कर रही होगी, लेकिन इंडिया ने सिर्फ एक प्लेयर को रिटेंशन करने के लिए इतना खर्चा कर दिया जो पाकिस्तान से देखी नहीं जा रही। तो आपने भी रिटेंशन देख लिया और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन भी देख लिया होगा, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।